इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां किसी भी धर्म की महिला का सार्वजनिक जगहों पर सर ढकना कानूनन जरूरी है। ऐसे देश विदेश से आने वाली महिलाओं के लिए भी अपने हिजाब के कानून में नरमी नहीं बरतते। मगर बीते कुछ सालों में ही ऐसे मौके भी आए कि भारत की महिला खिलाड़ियों ने औरतों की आजादी छीनने वाले ऐसे कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये महिला खिलाड़ी हैं शतरंज की महिला ग्रैंड मास्टर सौम्या स्वामीनाथन और भूतपूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और भूतपूर्व नंबर वन महिला शूटर हीना सिद्धू। दोनों ही महिला खिलाड़ियों हीना सिद्धू और सौम्या स्वामीनाथन ने ईरान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का बहिष्कार इसलिए कर दिया था क्योंकि ईरान में खेलने के लिए उन्हें हिजाब पहनना जरूरी था, बावजूद इसके कि न तो वो ईरान की नागरिक थी और न ही धर्म से मुस्लिम। 2016 में एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के आयोजकों ने पहले यह घोषित कर दिया था कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर महिला शूटर को हिजाब पहनना ही होगा। यह बात हीना सिद्धू को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई। हीना 2015 के एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता भी थी, फिर भी हीना सिद्धू ने प्रतियोगिता का बहिष्कार कर दिया। सोशल मीडिया पर हीना ने यह लिखा कि पर्यटकों या विदेशी मेहमानों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना खेल भावना या स्पिरिट ऑफ गेम के विरुद्ध है। आप अपने धर्म का पालन करें और मुझे अपने धर्म का पालन करने दें। अगर आप मुझ पर अपने धार्मिक विश्वास थोपते हैं तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। इसी तरह से 2018 में भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर सौम्या स्वामीनाथन ने तेहरान में हो रही एशियन टीम चेस चैंपियनशिप का बहिष्कार कर दिया था क्योंकि प्रतियोगिता के आयोजकों का साफ साफ कहना था कि महिला खिलाड़ी प्रतियोगिता में बिना हिजाब या स्कार्फ पहने शिरकत नहीं कर सकती। सौम्या ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि धर्म और खेल को आपस में मिलाकर नहीं देखा जा सकता, किसी भी खेल में मजहबी पाबंदियों की कोई जगह नहीं है। सौम्या ने यह भी लिखा कि खिलाड़ी अपने खेल के लिए जीवन में कई समझौते करते हैं और खेल को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, फिर भी कुछ चीजों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। सौम्या और हिना के इस फैसले को काफी सराहा गया। पिछले कुछ सालों में कई दूसरे देशों के खिलाड़ियों ने भी ईरान में हो रहे खेल आयोजनों का बहिष्कार हिजाब की वजह से ही किया है। ये और बात है कि आज भी औरतों के प्रति ईरान की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी ईरान में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक बनकर जीने के लिए मजबूर हैं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।